बाबा को चैन से नहीं बैठने दिया, सूरदास बाबा को चैन से नहीं बैठने दिया, मीराबाई को चैन से नहीं बैठने दिया, और आज हम उनके गीत गा रहे हैं सबके। जब कोई प्रेजेंट में अच्छा काम करता है तो उसकी बैंड बजाते रखते हैं हम लोग, चला जाता है फिर कहते बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, रे तेरे भलो करे, जब तक जियो व चैन को पानी ना पीन दियो, अब बहुत अच्छे थे, भगवान बना दे। मीरा पर आरोप लगा के तुम पराए पुरुष से बात करती हो, लेकिन मीरा ने परवाह की क्या? की क्या? आप सबसे आग्रह है, अगर भक्ति करने निकलो तो दुनिया की परवाह मत करना, कभी मत करना। दुनिया क्या कहेगी ये कभी मत सोचना, दुनिया क्या कहेगी ये मत सोचना। अगर सोचना हो तो सिर्फ ये कि मेरा कन्हैया क्या कहेगा, मेरा गोविंद, मेरा प्रियतम, मेरा मदन मुरारी क्या कहेगा। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय, कुछ दिन में जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता, बबूला है ये सदा स्थिर नहीं रहता। आज कोई है, कल कोई है, कल हमारे पिताजी जवान थे, आज हम जवान हो गए, कल हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, जब बच्चे जवान हो गए तो हम तो बूढ़े होंगे ही ना, फिर बूढ़े होने के बाद की कंडीशन क्या बोलो, दोबारा जवानी लौटेगी क्या? लौटेगी? आखिरी स्टेशन क्या? हंसा उड़े चले अपने देश, जगत में कोई नहीं अपना, जगत में कोई नहीं अपना। तो कौन से देश की बात कर रहे हो? बोले राम नाम, जोर जोर धीरे बोलते हो, जोर जोर बोला करो, राम नाम, राम नाम, राम नाम। लक्ष्मी जी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, आलू का गोदाम, सोने की दुकान, पीछे मकान, सब सत्य है, बोल बोल बोल, सब झूठ है, और अकेला नाम राम नाम सत्य। जब राम नाम ही सत्य है तो फिर झूठी कमाई क्यों करते हो? बोले पेट भरने के लिए जरूरी है, तो ठीक है मान लो 8 घंटे कर लो, बाकी के 4 घंटे तो राम नाम की कमाई कर लो, 4 घंटे तो राम नाम की कमाई करो। जो सत्य है, जो तुम्हारे साथ जाएगा, उसी के लिए कहते तो समय नहीं, झूठे कहेंगे, पापी कहेंगे। आपसे नहीं कह रहा हूं, जो सिर्फ आज ही आए हैं, मैं थोड़ा सा उन्हें, आपको नहीं, आपको तो आज ही आना था, पर जो पास पास में बैठे वो भी आज ही आए, उनको सुना रहा हूं जरा तीखी तीखी। तो भगवान ने उन कन्याओं से कहा, उस राक्षस को मारकर, कि तुम अब अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। उन कन्याओं ने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, प्रभु आप ही बता दीजिए कि अब हम कहां जाएं, हमारे लिए रास्ता क्या है। जितनी भी अनमैरिड बेटियां बैठी हैं हाथ उठाइए, अनमैरिड बेटियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, ऊपर करिए, थोड़ा ऊंचा करिए हाथ, भारी संख्या है। आप मम्मी पापा को बताए बगैर वृंदावन आ गई, सपोज आ गई, 2 दिन आपने यहां प्रिया कांजू के दर्शन किए और सेवा की, वापस आप अपने घर गए, आपको देखने वाला कोई लड़का आया और उसको ये पता चल जाए कि बिना बताए वृंदावन में रह के आई है पता नहीं कहां, तो सिर्फ इतना बता दो वो आपसे शादी करेगा या नहीं, हैं? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। ये तो तब की बात है जबकि हम लोग कहते हैं टाइम बड़ा मॉडर्न हो गया,
हम लोग कहते हैं ना मॉडर्न टाइम है, तो मॉडर्न टाइम में भी वो बच्चा आपसे शादी यूं नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है, ये उसे पता चल गया कि हमें बिना बताए किसी को घर से दो दिन बाहर थी। उन कन्याओं का क्या होगा जिनका तो पता ही नहीं कितने दिन से बाहर थी, और वो किसी मंदिर में नहीं थी, किसी राक्षस के बंदी गृह में थी। अब उनसे शादी कौन करेगा, करेगा कोई? बोलो करेगा। उन कन्याओं ने कहा कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, पहला उधर भरने के लिए गलत रास्ता स्वीकार कर लें, दूसरा कि आत्मदाह कर लें, या तो आत्मदाह कर लें और या फिर गलत रास्ता स्वीकार भगवान। अब भगवान का अवतार किस लिए हुआ, किस लिए होता भगवान का अवतार? गीता नहीं पढ़ी? माखन चुराने के लिए हुआ था भगवान का अवतार? हैं? किसके लिए हुआ था बोलो, जवाब दीजिए। धर्म की, गीता का श्लोक याद करो, बोलिए सब, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्रदात्मानम् सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का प्राकट्य किस लिए होता है? धर्म की। और कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जाए उससे धर्म बढ़ेगा कि अधर्म? जोर से बोलिए, धर्म। अधर्म। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले उससे धर्म बढ़ेगा कि अधर्म? जोर से बोलिए, भगवान किस लिए आए और ये क्या करने के लिए तैयार हैं? अब भगवान की क्या जिम्मेदारी है? धर्म को बढ़ावा दे कि अधर्म को? अगर गलत रास्ते पे गए तो अधर्म हो जाएगा, आत्महत्या कर ली तो अधर्म हो जाएगा, और भगवान धर्म के लिए आते हैं। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो अधर्म होगा, कुछ और बात बताओ। बोले तीसरी बात यह है महाराज, हमने सुना है जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? धर्म की स्थापना के लिए मेरे प्रभु ने उन कन्याओं के साथ विवाह किया जिन्हें संसार ठुकरा दिया था, जिसको संसार ने ठुकरा दिया था उन्हें मेरे गोविंद ने स्वीकार करके एक सम्मान की लाइफ जीने के लिए उनको दान दी थी मेरे प्यार। ऐसे सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र, ऐसे धर्म रक्षक श्री कृष्ण को हम लोग कहते हैं कि उन्होंने इतने विवाह किए थे। अरे तेरी आंखों पर दोष चढ़ा है, तेरी आंखें पाप के चश्मे को पहनकर जी रही हैं, तुझे सच्चाई नजर नहीं आएगी, तुझे सच्चाई नजर नहीं आएगी क्योंकि तू जानता ही नहीं सच क्या है। अब ऐसे हमारे यहां कहते हैं अधूरा सच झूठ से भी बड़ा पातक हो सकता है। सिर्फ इतना सबको पता है कि 16,000 विवाह किए, 108 विवाह किए, 16,108, पर ये नहीं पता क्यों किए। और ऐसे ही नहीं है भैया 16,000 विवाह ही नहीं करे तो? बोले सब पे 10-10 छोरा हुए और एक एक छोरी है, गिन ले कितनों है, कंप्यूटर पर लगा गूगल में सर्च। उनके पुत्र हैं 1,61,080, कौन के? कन्हैया के, कृष्णचंद्र भगवान के। पुत्रों की संख्या है 1,61,000, कन्या भी हैं कितनी? बोले 16,108। अब टोटल करो कितने हुए, इंग्लिश मीडियम लगा बेटा, लगा ना? ओ माय गॉड, इसमें तो हम स्कूल में भी फेल हो रहे थे,
नहीं आ रहा ना, सुन, 177,188 भगवान की कुल संतान है श्री कृष्णचंद्र भगवान की, 177,188, 177,188। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या भगवान की भी संतान वैसी होती है जैसे संसार के स्त्री पुरुषों की संतान होती है? ना 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 ना, संसार की प्रतिक्रिया है, पशु पक्षी हो चाहे कोई भी हो, चाहे मानव हो, स्त्री पुरुष मिलन होगा तो संतान होगी, लेकिन वहां भगवान का ऐसा संदेह बात नहीं है। आप एक और बात याद करिए, भगवान मोर पंख धारण करते हैं, कौन कौन? श्री कृष्ण। राम जी मोर पंख धारण नहीं करते, सिर्फ कृष्ण जी मोर पंख धारण करते हैं। और मोर पंख क्यों धारण करते हैं? और भी तो पंख हैं, और भी तो पक्षियों की पक्ष है, लगा लो। नहीं, मोर की पक्ष लगाते, मोर पंख लगाते हो, क्यों लगाते? मोर जैसा ब्रह्मचारी इस वर्ल्ड में कोई दूसरा है नहीं। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यो कर्णकारम बिभ्रद वासह कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुभद रमिणम प्राव सद गीत कीर्ति ही। भगवान मोर पक्ष धारण करते हैं, कन्नेर के पुष्प कानों में लगा रखे, वैजंती माला धारण की हुई है, पीताम्बरदा, ये वृंदावन की शोभा है, वहां द्वारकाधीश की ये नहीं है। वहां कृष्ण मोर पंख लगाते हैं, मोर पंख क्यों लगाते हैं? बोले मोर जैसा ब्रह्मचारी कोई हुआ ही नहीं, वो कभी अपनी स्त्री का मिलन नहीं करता, कब भी नहीं। बोले जब स्त्री से मिलन नहीं होगा, मोरनी से मिलन नहीं होगा, तो मोर की संतान कैसे होती है? तो मैं आपको कई बार इसी कथाक्रम में समझा चुका हूं कि जब मोर नृत्य करता है, काले काले बादलों को देखकर जब झूमता है, जब नाचता है, तो वो मोर नाचते नाचते मोरनी उसके चारों तरफ घूमती रहती है। आप देखेंगे आजकल तो मोर खत्म ही होते जा रहे हैं, सबको एक ही चिंता है, शेर बचाओ, मच्छर बचाओ, मक्खी बचाओ, सब बचाओ, पर गौ को मत बचाओ, मोर को मत बचाओ। मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, हाँ, तो ये तो हमारा मोर और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस देश में मोर जैसा पक्षी हो, ब्रह्मचारी, एक उदाहरण है हमारे देश में कि हमारा पक्षी जो राष्ट्र का पक्षी है, वो हमें ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पालन करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण देता है, बहुत बड़ा। जब वो नाचता है काले काले बादलों को देखकर और मोरनी उसके सराउंडिंग घूमती है, तो जब उसकी नजर खुद के पैरों पे पड़ती है तो मोर नाचते नाचते रो पड़ता है, और जब वो रो पड़ता है तो उसकी आंख के आंसुओं को मोरनी पृथ्वी पर नहीं गिरने देती, उस आंसू को वो पान कर लेती है, जिससे वो गर्भ धारण करती है और जिससे मोर की संतान आगे बढ़ती है। हाँ, बजाना धीरे थोड़ा, कोई और ना सुन ले। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये सृष्टि का सृजन करने वाला परमात्मा, जिसकी सृष्टि में मोर भी बिना मोरनी का संग किए संतान को जन्म दे देता है, तो वह स्वयं परमात्मा अपनी पत्नियों का संग किए बगैर क्या संतान को जन्म नहीं दे सकता? देता है प्यारे, देता है। यह सृष्टि का सृजन कैसे होता है? बोले भगवान के संकल्प मात्र से, भगवान सोचते हैं और संसार का निर्माण हो जाता है,
ठीक वैसे ही जब भगवान ने देखा कि मेरे 16108 पटरानियां हैं, परमात्मा ने संकल्प किया कि सबको 10-10 पुत्र हों और एक एक कन्या हो, संकल्प मात्र से संतान हो गई और वो 11-11 बच्चों की मां बन गई सबकी सब। अगर मिलन से होता तो किसी को 5 किसी को 15। संकल्प है सबको बराबर, भगवान की दृष्टि में सब बराबर। तो कृष्ण जैसा योगी और योगियों का ईश्वर कोई नहीं। स्त्रियों के मध्य में रहकर जो ब्रह्मचर्य का पालन करे उससे बड़ा योगी और कौन हो सकता है। अब जो स्त्री को अपने पास ही ना भटकने दे, दरवाजा बंद रखे, नहीं हम स्त्रियों से नहीं मिलते, ले काय को ब्रह्मचारी है तू भैया, जब स्त्री आंगी ना तो फिर वेले ब्रह्मचारी। इसका मतलब है तुमने पर्दे डाले हैं, इंद्रियां जीती नहीं है, पर्दे डाल दिए, बस मजबूर कर दिया तुमने अपने आप को, इंद्रियां जीती नहीं गई। और जिसने इंद्रियां जीत ली हैं उनकी नजर में सुखदेव जी जैसा महापुरुष न स्त्री से कोई फर्क पड़ता है न पुरुष से कोई फर्क पड़ता है, वो जहां भी चला जाए सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र वो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी रहे। मैं चोर नहीं, मैं चोरी नहीं करता। क्यों नहीं चोरी करता? बोले कभी दाव नहीं लगता। ले ये क्या, मैं चोरी नहीं करता, इसका क्या है? मैं चोरी नहीं करता, क्यों दाव नहीं लगा? ये कोई सराफत है। आप सबसे निवेदन, जिन कृष्ण की आप पूजा करते हैं उन जैसा सर्वश्रेष्ठ योगेश्वर भूतो न भविष्यति। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराष्ट्र ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 551,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्र द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 0114756400008, मोबाइल 9212210143, वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, ईमेल info@vssct.com, ट्विटर dn/thakur/g, फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी vsscity।